गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तहदिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि रीजनिंग के ऊपर आधारित है, मैथ की रीजनिंग के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहला क्वेश्चन देखिए, तो पहले क्वेश्चन को अगर हम जस्टिफाई करें, जो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हमें एक पजल वर्डिंग के पजल नंबर्स के तौर पे हमें दिया गया है, मिसिंग नंबर हमें इसमें ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर ज्ञात करने के लिए हमें इसकी सीरीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस हिसाब से ये लेके चला है, क्या इसने क्वेश्चन पुटअप करने का कोशिश किया है, क्या पूछना ये चाहता है। तो इसको हम अगर समझें तो हमें इसको लाइन वाइज समझना पड़ेगा, लाइन वाइज समझना पड़ेगा, क्योंकि जो पजल वर्ड्स होते हैं उसमें आप किसी भी सीरीज को सॉल्व करो तो लाइन वाइज चलना पड़ता है। जैसे अगर हम इसको लाइन वाइज समझें तो 1 × 2 जो है ये 2 सॉल्यूशन ला रहा है, करेक्ट ऑप्शन निकल जाता है। वैसे ही लाइन 1 होगी, लाइन 2 में जब आप चले, लाइन 2 में आप चले तो 2 × 3 जो है, 2 × 3 जो है कितना दिखा रहा है, ये 6 दिखा रहा है। वैसी लाइन 3 जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 3 × 4 जो है 12 आपका इसमें आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर आपका फोर्थ वाला 12 बन जाता है। इस सीरीज में तो ये मल्टीप्लाई करके चला है, इस सीरीज में ये सॉल्यूशन निकालते हुए चला है, या इसको सॉल्व करते हुए चला है। तो आप इसको मिसिंग वर्ड को आप इसमें बता सकते हो कि कैसे किया इसने, लाइन 1 में 1 × 2 कितना आ गया इसका, 2 आ गया, 2 × 3 6 आ गया, और 3 × 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर 12 हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इस सीरीज में भी हमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना है कि क्या मिसिंग नंबर आना चाहिए। उस मिसिंग नंबर को फाइंड करने के लिए हमें वो सीरीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी जिसमें क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, जिसमें इसने क्वेश्चन के आंसर देने चाहे हैं। ठीक है,
जैसे हम इसकी बात करें तो 7 की बात करें तो 7 का स्क्वायर लेके चला ये 7 × 7 जिसके कारण इसको 49 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 7 के बाद इसने 8 के स्क्वायर रूट लिया जिसमें 8 × 8 के मल्टीप्लाई की जाए तो 64 जो आपका आंसर है वो आ जाता है। वैसे ही 9 को इसने अडॉप्ट किया अगले में, 9 का स्क्वायर लेके चला तो 9 × 9 का जब किया इसने 81 उसका आंसर आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन तक इसका सॉल्व हो जाता है। आगे की तरफ जब ये चला तो इसने 10 का स्क्वायर ले लिया जिसमें 10 × 10 जो है वो आपका 100 आ जाता है। ठीक है बेटा, अब पूछ रहा है ये कि यहां पे क्या आना चाहिए। इसको जस्टिफाई करने से पहले हम अगले इसी स्टेप में अगले वाले को अडॉप्ट कर लेते हैं, एक बार इसको भूल जाइए। तो 12 का स्क्वायर रूट कितना हो गया आपका 12 × 12 कितना आ रहा है आपका, जब आप 12 ने 12 को मल्टीप्लाई किया तो आपको 2 × 2 = 4, 2 × 2 और 2 × 2 और 1 × 1 मीन्स 4 × 4 = 1 144 आपको ये स्क्वायर रूट प्राप्त हो रहा है। तो 12 से अब 12 से प्रीवियस पिछली संख्या को हम देखें, एक सीरीज में चल रहा है 7 8 9 10, 10 के बाद आपकी कौन सी सीरीज आनी चाहिए 11 की, 10 के बाद कौन सी आनी चाहिए 11 का स्क्वायर रूट। तो 11 का स्क्वायर रूट मींस 11 × 11, तो 11 × 11 को अगर आप करते हैं तो 1 × 1 और 1 × 1, ठीक है, तो 1 × 1 और 1 × 1 मींस 1 × 1 = 2 और ये 1 कितना आता है आपका 121। तो इसमें 121 हमारा डी वाला जो आंसर है वो करेक्टेड हो जाता है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। थर्ड देखिए, अब इसमें 15, 25, 26 और 14 ये हमें एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया। सेकेंड वाला जो बॉक्स है उसमें हमें ज्ञात करना है। और ये हमें पता करना है। ऑप्शन देखिए आपके 18, 22, 29 और 30। ठीक है बेटा, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे अडॉप्ट करें। हम एक मेथड अपना सकते हैं कि ये बंदा किस स्ट्रेटेजी से क्या बताना चाहता है। जैसे अगर हम इसको मान लें क्या ए बी सी डी, मान लीजिए ये आपके आपने मान लिया ए बी सी डी, ठीक है। तो अगर हम इसको जोड़ के देखें कि भी ए प्लस बी जो है उसका जो एडिशन है मींस ए प्लस बी, तो a कितना है आपका 15, a प्लस बी को अगर आप सॉल्व करो तो a कितना है आपका 15 प्लस b कितना है आपका 25। तो a प्लस b मींस 15 प्लस 25 जो होता है वो आपका कितना आ जाता है 40, 10 3 और 4 कितना आता है भाई 40। तो आप एक बात कह सकते हो a प्लस b का जो जोड़ है वो 40 है, कैसे 15 प्लस 25, राइट। वैसे ही ये तो a प्लस बी का हो गया, ये जोड़ किसके बराबर है
सी प्लस डी के, सी प्लस डी के कितना आएगा आपका, वो भी 40 आएगा, क्योंकि ये बोथ बराबर है, दोनों चारों ट्रायंगल्स जो मिलके एक संख्या का निर्माण कर रहे हैं। तो सी प्लस डी का भी कितना आ रहा है आपका 40। कैसे आया कि 14, सी कितना है आपका 26, डी कितना है आपका 40। इन दोनों को अगर आप जोड़ रहे हो तो ये आपका 26 प्लस 14 कितना आ जाता है 10, और 40 आपका आंसर आ जाता है। मींस चारों को ए प्लस बी का कितना आया 40 आ रहा है, और ए सी प्लस डी का भी 40 आ रहा है। एक स्क्वायर में बोथ साइड्स बराबर होती है, हमने पढ़ा होगा, चारों साइड एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने ट्रायंगल अलग बना दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यही मेथड अगर हम अडॉप्ट करें, कैसे, ए बी और इसको सी और इसको डी मान लिया हमने, इसको सी और इसको डी मान लिया, तो एक चीज हमें अल्टरनेटली पता चल जाएगी कि सी डी का जो जोड़ है वो बराबर होगा किसके, ए बी के, ए बी के बराबर होगा। जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक, ए प्लस बी, अगर हम इसका जोड़ सॉल्व करें तो ए को हम मान ले क्या, पहले इसको लिख लो आप, चलो ए प्लस बी, हाँ चलो ए प्लस बी, तो ए कितना हो गया आपका 18, और ये हमें ज्ञात करना है। इसको मान लिया मैंने x, क्या मान लिया x, 18 प्लस x, अब इज इक्वल टू, इसका हमें कैसे पता चले, ये जो है इसका टोटल, इन दोनों का जो टोटल होगा वो इस सी डी के बराबर है। मान लो पहले हमें सी डी का टोटल ज्ञात करना पड़ेगा, तो सी प्लस डी का टोटल इज इक्वल टू, सी कितना है आपका 13 प्लस डी कितना है आपका 27, डी कितना है 27। अब 13 प्लस 27 को आपने जोड़ा तो 10 हो गया, और 1 गया ऊपर, 3 और 1 4 कितना आ जाता है 40, कितना आ जाता है 40। मींस सी डी का अगर जोड़ 40 है तो ए बी का एड भी कितना होगा 40, और ए बी के एड में ए आपका 18 है, एक्स जो आपने डी माना है, और इन दोनों का जोड़ कितना बता रहे हो आप 40। तो इक्वेशन आपके सामने क्या बनेगी, 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 40। अब इस x को अगर हम ज्ञात करेंगे तो 18 को हमें इस साइड में ले जाना पड़ेगा इज इक्वल टू के, तो x क्या हो जाएगा 40 माइनस 18, 40 माइनस 18 आपका कितना आता है 10 में से 8 गए 2 और 3 में से 1 गया, 10 में से 8 गए 2 या मतलब 3 में से 1 गया 22, जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, अगला देखिए, नाइन सिक्स थ्री फोर सिक्स फोर ये है आपका, और इसमें नाइन सिक्स थ्री, ठीक है, और 4 6 4, ठीक है, 2 ये आपको ज्ञात करना है, और 8 4 4 और 9 0 3। ऑप्शन देखिए आपके 1 2 3
या फोर। इन ऑप्शंस में से आपको आंसर ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो वही बात, हमें स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी कि बंदा किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कैसे कि भाई 9 + 6 + 3, 9 को 6 + 3 ये हमें प्राप्त हो रहा है। इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें किसको, 8 + 4 + 4 को, तो हमें क्या आंसर आना चाहिए? 2 आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए भी? 2। ऐसे देखिए 9 + 6 कितने होते हैं, 9 + 6 जो है 9 और 6 15 हो गए, ठीक है। 15 + 3 आपके कितने हो गए, 18। कितना हो गया, 18 मिल गया आपको। माइनस 8 + 4 कितना हो गया, 12। 12 + 4 कितना हो गया आपका, 16। और यहाँ पे 18 में से अगर आपने 16 को घटा दिया तो कितना आंसर प्राप्त हो रहा है आपको, 2 आंसर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। वैसे ही हम अगर इस क्वेश्चन में इस मेथड को अडॉप्ट करें तो 4 + 6 + 4, ठीक है, माइनस 9 + 0 + 3 इजिकल टू कितना, वो हमें ज्ञात करना है। तो अगर हमने इसको जोड़ा, 10 6 + 4 कितना हो गया, 10। 10 + 4 कितना हो गया, 14। माइनस 9 + 0 9 और प्लस 3 कितना हो गया, 12। और 14 में से 12 को अगर हमने घटा दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो जो सेकंड वाला पार्ट है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को, अगर आपको ट्रिक मालूम हो जो बंदे वाले के पूछने की थीम है, कॉन्सेप्ट है, आप उसे आसानी से अटेंड कर सकते हो। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में कुछ और नए प्रश्न लेके। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको क्वेश्चन समझाए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट में मैंशन करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।